तो क्या 5 सितंबर को फ्री फायर आने से हमारा पुराना पीक और हमारा पुराना रेड डैमेज और हमारा जो पुराना होता है जो ट्रेनिंग ग्राउंड और हमारा बहुत सारा पुराना पुराने चीज़ लाइक हमारे जैसे कि पीक और बहुत ही सारा और हमारा जो बीयर रैंक पे बस रिवाइव कर सकते थे हमारा जो वाला रिवाइव वाला सेक्शन वो सब हटने वाला है या और हमारा जो फ्री फायर में जो मैप के अंदर कुछ चेंज होने वाला है क्या लाइक हमारा भारत के मैप के जैसा चेंज होने वाला है क्या वो सब लोग ऐसे बताने वाले हैं इस वीडियोस के अंदर। और उससे पहले क्या करो कि आप लोग फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो तो चल देगा इस वीडियोस के तरफ। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो भाई लोग आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ के बारे में बताने वाले जैसे कि मैं आप लोगों को इंट्रो में बता ही चुका हूँ कि किसके इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग 18 प्लस नहीं होकर भी अगर आप लोगों ने 18 प्लस के ऊपर भाई क्लिक कर दिया मतलब 18 प्लस एबव लिख दिया तो आपका उसमें आईडी बैन होगा या नहीं बैन होगा मैं उसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइज फटाफट आप अपनी टास्क कर लो। क्या टास्क का नाम है? लाइक सब्सक्राइब जल्दी गाइज कर लो और शेयर भी कर दो प्लीज़ यार। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, मैं मतलब आपको इतना चीज़ के बारे में बताता हूँ, आप लोग एक शेयर नहीं करते हो यार, एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और एक लाइक भी नहीं करते हो। भाई लाइक करने में मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलती है भाई कर लो भाई। तो गाइस हमारा जो पीक ओ आने वाला है क्या जो हमारा फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को मतलब आज तो 3 सितंबर हो गया और 2 दिन के बाद आने वाला है या नहीं आने वाला है मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस हाँ हमारा जो फ्री फायर इंडिया आने से हमारा पीक जो होता है वो नहीं आएगा, समझ रहे हो भाई, वो नहीं आएगा भाई। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, फ्री फायर वाले ने सीधा बोला है कि वो नहीं फ्री फायर नहीं आ सकता है, हमें जो फ्री फायर का जो पीक वाला वर्जन है वो नहीं आ सकता है क्योंकि बहुत दिक्कत सीन है उसमें और न्यू कुछ चेंज करते हैं इसी वजह से वो न्यू चेंज कर दिए हैं। और हमारा जो 18 प्लस वाला रूल है जो आप अगर 18 से नीचे होगा तो 6 घंटा खेल सकते हो, अगर वो ज़्यादा खेले तो आपके पास मैसेज या कॉल चला जाएगा, वो सब मैं बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस क्या हुआ कि बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे थे कि भाई हाँ हम 18 से ऊपर नीचे है बट हमने 18 के ऊपर दबा दिया और कुछ वेरिफिकेशन भी नहीं मांगा, बस 18 के ऊपर दबा दिया, उसमें हमारा आईडी पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है या कुछ हो सकता है या कुछ हमको मैसेज आ सकते हैं कुछ, मेरे को यार वीडियोस बनाकर हमको बता दो कि हमारा आईडी बैन होने वाली है यार कुछ भी होने वाली है मेरे को बता दो। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि आपका इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, अगर आपने दबा दिया तो दबा दे, कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरे को जो लग रहा है अगर ज़्यादा से ज़्यादा होकर आप लोग को वो मतलब फिर से और एक नोटिस दे के बताएगा कि आप फिर से जो होते हैं अपनी नंबर दे के फिर से उसको लॉगिन कराओ, ओके इसे ही बोल सकते हैं बट आपका आईडी के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और हमारे आती है जो फ्री फायर के जो मैप जो होती चेंज होने वाली है या चेंज नहीं होने वाली है, तो गाइस हमें बता देता हूँ आप लोगों ने अगर जो फ्री फायर का जो एनिमेशन है आप लोगों को स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा अभी, आप उसी एनिमेशन आप देखा होगा फ्री फायर का एनिमेशन में वो इंडिया का मैप दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर देखा ही नहीं होगा आप लोग जाके देख सकते हो कि नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा यहाँ पर, ओके। तो भाई हमारा फ्री फायर इंडिया में मतलब फुल फ्री फायर इंडिया को लेके आ रहा है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ही ओपी तरीके से और मतलब भाई मस्त मजा देगा और फ्री फायर के मैप तो आने वाले मस्त मजा आएगा। और हम चलते हैं हमारे जो फ्री फायर जो पुराने जो ट्रेनिंग मोड्स और जो वो वाले भूत वाला मोड्स आपने देखा ही होगा और ग्लाइडर जो फ्री फायर में ग्लाइडर मिलता था वो मतलब आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी नहीं आने वाले हैं, वो भी मेरे लिए तो बहुत बुरा लग रहा है बट क्या ही कर सकते हैं, वो उसी के लिए फ्री फायर ने कुछ अलग ही सोचा होगा, मतलब कुछ अभी तक रियल नहीं है बट कुछ अलग ही सोचा होगा, ओके ब्रो। और आप लोग देख ही लेना 5 सितंबर को। बस गाइस आज के लिए बस इतना ही वीडियोस था और भाई देखो थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को अपडेट मिल चुका है तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो एंड भाई शेयर कर दो यार भाई को। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पर, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कल शायद 5 से 6 बजे के अंदर करने वाला हूँ तो आप लोग आ जाना कि वो भी चाहिए दो।